नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चीन और ईरान ने जॉइंट स्टेटमेंट देकर अफगानिस्तान से महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने का आह्वान किया है। क्यों ऐसा किया जा रहा है या क्या इसके मायने हैं? चाइना और ईरान आपस में इनके जो आपसी संबंध है वो कैसे हैं? इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करते हैं। पहले न्यूज हेडलाइन देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज से। तो चाइना और ईरान ने अर्ज किया है कि अपने म्यूचुअल नेबर अफगानिस्तान को कि वो जो भी प्रतिबंध महिलाओं पर लगाए गए हैं, उनकी शिक्षा पर, उनके काम पर, उसको खत्म कर दे। ये जो आह्वान किया गया है, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में आया ऑन थर्सडे, जो कि इशू की गई थी एट द क्लोज ऑफ अ विजिट टू बीजिंग बाय ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजिंग रेजिंग बीजिंग गए थे एक एक विजिट के लिए। तो उस विजिट के अंत में ये स्टेटमेंट जारी किया गया, जहां पर दोनों ही साइड्स ने अफर्म किया है अपने क्लोज इकोनॉमिक पॉलिटिकल टाइज को, और साथ ही अपने जो रिजेक्शंस हैं वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को लेकर, तो इसको भी इन्होंने खारिज कर दिया है दोनों ने साथ में मिलकर इस जॉइंट स्टेटमेंट में। तालिबान के द्वारा जो भी किया जा रहा है, जो भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके काम को लेकर, इस संबंध में एक ऑलरेडी वीडियो हमने टेलीग्राम अपने इस पाथफाइंडर चैनल पर दिया हुआ है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी किस प्रतिबंध की हम बात कर रहे हैं। और इस वीडियो से संबंधित या फिर किसी और टॉपिक से संबंधित क्लास की डिटेल्स, अपडेट, पीडीएफ्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, मुझसे कनेक्ट करने के लिए भी। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIVE10। नाउ, अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं, जैसे अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने की, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स, और एक और रीजन है 16 से 21 फरवरी तक आपको मिल रहा है अप टू 30% डिस्काउंट ऑन योर यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शंस। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLIVE10 और आप ज्वाइन कर सकते हैं आरंभ और लक्ष्य बैचेस 2024 के लिए। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये है कि ना केवल आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरे कोड से, बल्कि मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप, मेरा सपोर्ट भी रहेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। चलिए, जब से अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया गया है तालिबान के द्वारा अगस्त 2021 से, तभी से तालिबान ने महिलाओं पर और लड़कियों पर, बच्चियों पर यूनिवर्सिटी जाना और शिक्षा प्राप्त करना, इन सबको बैन कर दिया है 6ठी ग्रेड के बाद से। और साथ में जो भी इलेक्टेड ऑफिसेज में थी या किसी भी प्रोमिनेंट पोजीशंस पर थी, उनको भी बाहर निकाल दिया गया, उनको भी उनकी नौकरियां भी खत्म कर दी गई। दोनों ही साइड्स, चाइना और ईरान ने अफगान के जो रूलर्स हैं राइट नाउ तालिबान को, ये उनसे आह्वान किया है कि भैया आप एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाइए ना, जिसमें सभी एथनिक ग्रुप्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स एक्चुअली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि हम डिस्क्रिमिनेटरी जो मेजर्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं, जो भी महिलाओं के विरुद्ध, एथनिक माइनॉरिटीज या अदर रिलीजन के विरुद्ध है, उसको भी खत्म करना जरूरी है। इस तरह के जो भी डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के जो भी डिस्क्रिमिनेटरी मूव्स हैं, इनको भी कैंसिल किया जाए। नाउ, यहाँ पर चाइना और ईरान ने कहीं ना कहीं ज्वाइंटली ब्लेम किया है यूएस और नाटो को। यूएस और उसके नाटो एलाइज, इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो इस समय जो सिचुएशन है अफगानिस्तान की, ऐसा आरोप लगाया गया है अमेरिका के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूएस ने बैक किया था अफगानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगेंस्ट द तालिबान, लेकिन उसने विड्रू कर लिया था अपना सपोर्ट, अपना समर्थन, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ने लगे और जो भी डोमेस्टिक सपोर्ट था वो हिलने लगा फॉर अ गवर्नमेंट, वो जो तालिबान के रिवाइवल को कंटेन नहीं कर पाई। तो एक तरह से बीच में ही यूएस ने साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका के ऊपर। ना, ये जो आह्वान किया गया है महिलाओं की राइट्स को लेकर, ये तब आता है जब ईरान की जो हार्डलाइन शहीद मुस्लिम रिजीम है, उसको चैलेंज किया है बाय मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट स्पार्क बाय द डेथ ऑफ अ यंग वुमेन। आपको याद होगा ईरान में एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, जब उस पर आरोप लगाया गया था, पुलिस कस्टडी में थी वो, उस पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वायलेट किया है क्लोदिंग रिक्वायरमेंट्स को। इस सब के बीच में इस तरह का ये आह्वान किया जा रहा है। नाउ, कंट्री का जो थियोरोक्रेसी है उसने एग्जीक्यूट कर दिया है एटलीस्ट 4 पुरुषों को, मेन को, सिंस द डेमोन्स्ट्रेशन बिगैन इन सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर में शुरुआत हुई थी ओवर द डेथ ऑफ महसा अमीनी। ठीक है, महसा अमीनी थी वो जिनकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। नाउ, जो लोग हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिटिसाइज, बहुत ही तेज और क्लोज डोर ट्रायल्स ये लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पर। ना, जो बल्क है ऑफ चाइना एंड ईरान ज्वाइंट स्टेटमेंट, वो एम्फेसाइज करता है इनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज को, और साथ ही ऐसा मानना है कि वो चाहते हैं कि वो, इट इज अ क्वेस्ट फ्रॉम चाइना एंड ईरान फॉर पीस एंड जस्टिस इन द मिडल ईस्ट। वो ऐसा चाहते हैं कि शांति हो और जस्टिस हो, न्याय हो मिडल ईस्ट में, और साथ साथ डी न्यूक्लियराइजेशन हो, मतलब न्यूक्लियर जो चीजें हैं उनका, उनको खत्म किया जा सके, इन स्पाइट ऑफ तेहरान एलिज ड्राइव टू प्रोड्यूस एटोमिक वेपन। जब वो ये लगा रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि भाई आप वेपन्स बना रहे हो,
इस मीटिंग में अर्लियर चाइनीज जो लीडर है जी जिनपिंग और रेजी ने एक्सप्रेस किया सपोर्ट फॉर चाइनाज क्रैकडाउन ऑन डेमोक्रेसी इन हांगकांग और क्लेम किया कि सेल्फ रूलिंग डेमोक्रेटिक ताइवान। ना चाइना ईरान पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को एक तरह से अलोंगसाइड मॉस्को कि वो ये सभी जो राष्ट्र हैं चाइना ईरान साथ में उन्होंने रशिया को भी इंक्लूड कर लिया है कि वो कहीं ना कहीं एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर कर रहे हैं विद अमेरिकन पावर्स, वो काउंटर वेट कर रहे हैं अमेरिकन पावर को और कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी कहेंगे। और ईरान के केस में कहें तो ईरान की तरफ से कहना है कि उन्होंने काफी मटेरियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है रशिया को रशिया के इन्वेजन में टू ऑफ यूक्रेन में, तो समर्थन करते रहे हैं उनका। नाउ चाइना सपोर्ट्स ईरान इन सेफगार्डिंग नेशनल सॉवरेंटी, ऐसा भी कहा गया कि ये अपने स्टेटमेंट में चाइनीज लीडर ने कहा कि भाई चाइना हमेशा ईरान को सपोर्ट करता है कि वो सेफगार्ड करे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को और रेजिस्ट कर सके यूनिलेटरिज्म, जो एक तरफा चीज चलती है ना चीजें उनको खत्म कर सके और बुलिंग जो हो रही है उसको भी रोकने में समर्थन देता है वो ईरान को हर तरह से। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जी और रेजी ने ये एक मीटिंग अटेंड की जिसमें वो साइन कर रहे थे 20 कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स जिसमें जो कि संबंधित है ट्रेड टूरिज्म से, ऐसा चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन सबको देने के लिए। अब ये जो 20 कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं ये ऐड करते हैं तो 25 ईयर जो स्ट्रैटेजी एग्रीमेंट साइन किया गया था 2021 में इन दोनों राष्ट्रों के द्वारा जिसमें कि उन्होंने आपसी सहयोग से कोऑपरेट करने की बात की थी ऑयल को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और बाकी सभी क्षेत्रों में एक दूसरे को सपोर्ट या समर्थन देने के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि चाइना जो है सबसे बड़े बायर्स में से है ईरानियन ऑयल की और ये एक मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है ईरान में, तो दोनों देशों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो काफी मजबूत है। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने काफी सालों तक स्ट्रगल किया है अंडर ट्रेड एंड फाइनेंशियल सैंक्शन जो कि लगाए गए थे ईरान पर बाय वॉशिंगटन और बाकी जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईरान चाइना की तरफ है और चाइना के साथ वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है। यूएस गवर्नमेंट ने चाइना का जो एक्सेस था नेटवर्क्स वो भी कट ऑफ कर दिया था टू द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ग्लोबल बैंक्स इन 2018, तो कहीं ना कहीं ये पुराना कुछ है जिसकी वजह से अब ये देखने को मिल रहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति के लिए भी आरोप चाइना अमेरिका पर लगाया जा रहा है और चाइना और ईरान साथ में आकर इस तरह की बात इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यह केवल ये एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है कि वाकई में चाइना ईरान मॉस्को एक्चुअली आधे काइंड ऑफ बैलेंसिंग द सुप्रीमेसी जो अमेरिका की है उसको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो यूपीएससी के बैचेस 16 तारीख से शुरू हो चुके हैं आरंभ और लक्ष्य बैचेस आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 टू एनरोल फॉर दी बैचेस। इसी के साथ ओल्ड राजेंद्र नगर में सेंटर इज ओपन जहाँ पर आपके लिए 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन ओपन है, आप एनरोल कर लीजिए अभी विद माई कोड ND Live 10। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।